मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं हमेशा खुला। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो चैनल पंजाबी टेशन ते मैं जस्सी बड़ैच। सो दोस्तों, अज्ज बहुत खास मुलाकात थोड़े नाल सांझी करांगे और अज्ज मैं मुलाकात करन तों पहला मैं बड़ा निडर जिहा हो के बैठे हाँ, क्योंकि जिन्हां नाल मुलाकात करांगे उन्हां नूं वेख के असीं वैसे ही दहल जांदे हां। और कहिंदे जदों उन्हां नूं टीवी ते वी असीं वेखदे हुंदे सी तां माड़ा मोटा टीवी भी चल नहीं सकदा सी इन्हां नूं, क्योंकि इन्हां दे डायलॉग इन्ने कमाल दे हुंदे सी, इन्हां दा किरदार इन्ना कमाल दा हुंदा सी। मुकेश ऋषि जी साडे नाल मौजूद ने ते राघव जी भाई, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारे। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। सब तों पहलां कि साडे पंजाबी सिनेमे दी बहुत असीं कह सकदे हां कि खुशकिस्मती है कि निडर तुसीं निडर होके आए और निडर साडे सिनेमे नूं मिलिया, ते बहुत कमाल दी गल। और किद्दां दी एक्साइटमेंट आ निडर दे लई? एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि हर आदमी ने जो भी चीज़ बनाता है जिसे तो वो सारी डिपेंड करे दुनिया के ऊपर, तो उसके अंदर एक 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 कंसर्न तो रहता ही है। और मेरे दो कंसर्न ने, क्योंकि मैं बेटेली फिल्म बनाई है तो मेरा बाप जड़ा वो भी ओवर पावर करता है मेरी सोच में कि बच्चे नु कामयाब होना चाहिए, बच्चे लिए अच्छा हो किसी तरह, तो वो सारी मिक्स इमोशंस इस वक्त है ने मेरे। लेकिन भरोसा इस गल का निडर मैं इस वास्ते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जड़ा सी दिल अपने दिल पूरी मेहनत करके उसनू बनाया है, सारी टीम मेरे नाल सी और मैनू पूरी विश्वास है कि पसंद आएगा। क्या राघव वीरे, बहुत कमाल दा ट्रेलर लग्या सानू है ना, ते हर एक बंदे दा सुपना हुंदा ना कि जिहड़ी उहदी शुरुआत है वह बॉलीवुड च होवे, ते तुसीं बहुत चंगा कीता कि तुसीं पंजाबी तो अपनी शुरुआत कीती है। सो एक की पिछे की मकसद की सी जी पंजाबी फिल्म करनी? इहदे पिछे कोई मकसद नहीं सी, मैनू एक्टिंग लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैनू मेरे डैड का पूरा भरोसा है और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा ये उन्होंने सोच है कि निडर बननी चाहिए और पंजाबी बननी चाहिए, और मैं बस उसका पूरा सपोर्ट किया एंड कुछ डिफरेंट करने की कोशिश है, उस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। अच्छा भाई, जो ट्रेलर वेखते ना तो लगता भी ये कॉन्सैप्ट तो बॉलीवुड का कॉन्सैप्ट है, तुम चाहते तो बॉलीवुड भी बना सकते थे, तो थोड़ू लगे नहीं कि इनू पंजाबी बनावे इदा होएगा या कि मकसद हूँ भी कि असं बॉलीवुड भी तुम बना सकते? बिल्कुल, कोई भी सिनेमा कोई भी स्टोरी किसी भी लैंग्वेज बन सकती है, लेकिन एक गल तय सी कि मेरा पंजाबी होना सच है और पंजाबी के बारे फील करना भी मेरा सच है। इन्ने साल तक काम कर रहे हैं पंजाबी सिनेमा को, कद देख रहे हैं अमरिंदर जी और उस तो पहले पहले कई फिल्मा जीडिया मैं देखिया ने, मैं लगा कि शायद कोई ऐसी चीज़ है अगर मेरा बेटा ले एक फिल्म बनाना मैं और उन्होंने लॉन्च कर दाँ, तो शायद एक विश्वास जहाँ बनता है आम जनता के बीच कि भाई बंदा मतलब पंजाबी या पंजाबी वास्ते इन्ना इन्हों का ख्याल है कि बेटे को लॉन्च करता। वो मेरी यही सोच थी कि कोई ऐसी फिल्म बने, मैनू भी एक फील हो कि मैं कुछ गिव बैक किया है अपनी अपनी माँ बोली नूं या अपने कल्चर वास्ते कुछ ऐसी चीज़ बनाई। फिर कहानी उस तरह ही कड़िया सा जिस तरह असी चाहते सी कि असी राघव की पर्सनैलिटी लैके, क्योंकि मैं फायदा यह कि मैं यदियाँ अच्छाइया बुराइया किदा का एक्टर है वह सारिया मैं पता सन, और मैं ये भी पता है कि एक्टर की जी स्पार्क होंगी वो तो है, ये बाकी चीज़ें सिर्फ पॉलिश करनी होंगे तो सिर्फ अपने पर विश्वास रखना होंगे, तो यही चीज़ इदे इस कॉन्फिडेंस में लैके मैं चलिया। और एक कहानी जिस मनदीप चहल साहब और हमारे जो राइटर हैं मारूफ मिर्ज़ा बहुत ही सीनियर रहे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में अमित जी की फिल्में कई फिल्में लिखी, तो उनके साथ सोच हुई तो यही सामने रखा गया कि ये वो लड़का है। बाकी तो विश्वास जब आ गया आपको कि ये आदमी काम कर सकता है, फिर उसके बाद नहीं सोचना कि किधर करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ नहीं कि सानू अपनी लाइन ने ही सिखाया है, ट्रस्ट दे अलावा फिर इस तरह के काम नहीं होंगे। तो विश्वास हो गया, बाकी किदा की चीज़ जिस तरह बनी सामने रख दी भाई ये चीज़ें ये चीज़ा इत ये थोड़ा मेहनत करनी पैनी है, ये चीज़ पॉलिश करनी पेगी, यदा ख्याल रखना पेगा, तो उसी सोच नू लैके फिर असी एकदम कन्फर्म से फिर नहीं असी सोचा कि इदा ही कुल नू जद असी देखा जदों उन्हों लिया तो उदे बारे च नहीं असी सोचा कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, फिर गल नहीं बनती है। तुसी काम जिसे जंग शुरू हो जाए सोचो सोल्जर ठीक है कि नहीं कम वो नहीं। सो राघव वीरे, ट्रेलर तो लग्या कि तुसी बहुत प्रैक्टिस की होनी है ये, सो मैं थोड़े तो पूछा था मतलब किन्ना तुसी जिहड़ा समा किवें दा हंडाया निडर तो पहला? हाँ जी, तो फिल्म दे लई काफ़ी प्रैक्टिस लगी है और एक्शन दे ले, डांस दे ले, एक्टिंग दे ले, तो मैं डैड नाल ही प्रैक्टिस करता सी फिल्म तो फिल्म दे ले भी फिल्म तो पहला भी, तो मेरी जो जो एक्टिंग ले रुचि डेवलप हुई है वो डैड नाल प्रैक्टिस कर करके ही हुई है। तो साढ़े जे कोरियोग्राफर ने पप्पू मास्टर पप्पू खन्ना जी काफ़ी एक्सपीरियंस ने, साढ़े एक्शन मास्टर ने
बख्शी सर, महमूद बख्शी सर, उन्होंने नाल ही मैं बह के डिस्कस किया कि उन्होंने मैं दसा कि यह करना है, ऐसे करना है, ये है, तो उसी हिसाब की प्रैक्टिस से तो उसका फायदा सैट तो होया कि मैं काफ़ी एफिशेंटली काम कर सका। अच्छा भाजी, ट्रेलर वेखते ना तो राघव बाई रहा वो दो शेड नज़र आते हैं तो वो बड़ा कन्फ्यूज होंगे कि वो की निकल रहा है, सट्टा की निकल रहा है। यो ही तो साड़ा सिनेमा है कि क्योंकि असी क्योंकि मैं जड़ी चीज़ दस रहा कि मैं किस चीज़ वास्ते फिल्म बना रहा वह मकसद सीधा यह कि किस तरह मैं बॉन्डिंग जी होंगी रिश्तों की वो बॉन्डिंग कि स्ट्रोंग कर सकना वो फिर जब कहानी बनेगी वो रूप भी अलग अलग अपने आप निकल दे गए तो जिन्हें भी तुम रूप देखे हो सब आपस के उन्होंने लिंक हैगा वो सारिया चीज़ें हाईलाइट कर दिया ने उस करैक्टर उस टाइम न तो क्यों इवेंचुअली असी एक ऐसे काम लिए इस बंदे नू चुनिया कि जेड़ा उम्र तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा कि उस लेवल का काम कर सकता जिदी एजुकेशन उस लेवल दी नहीं है लेकिन उसके इरादे और उदी सोच और उदी जिदी है उदे कोल ट्रेनिंग वो उस लेवल दी है कि वो कुछ भी कर जाएगा बाकी उदे दा अंदर हौसला है और निडर हौसला जड़ा उसका जिस सिचुएशन आती है उन्होंने कहेगा उन्होंने कहता कि तू ये काम करेगा मेरे लिए मेरे देश लिए कहता कुछ भी होएगा कहता जान जा सकती प्यो कहता तो बेटा कहता जान जाए तो जाए देश लिए कुछ भी करा अपनी स्टेट लिए कुछ भी करा तो यो ही सिचुएशन कहानी है जी सू उस लैवल पर ले जाती है तो वो जो रूप जितने भी है उसके वो सब उससे का हिस्सा है कोई उस तू अलग नहीं है कोई सैपरेट ट्रैक नहीं है सब वह हिस्सा। मैं ना राघव बीरे गल करता कि इदा की सानू कहानी साढ़े सिनेमे में लोड़ सी हूँ तक असं बहुत सारिया कॉमेडी फिल्मा की ठीक है बननिया चाहिए ने पर एक इदा की कॉन्टेंट की सानू जरूरत सी कि सानू चाहिए सी कि कोई इदा की चीज़ असी बनाइए जिन्हों असी बॉलीवुड से भी रख सकी कि हाँ साड़ी ये पंजाबी फिल्म है। देखिए कोशिश हमेशा होंगी है लेकिन हम असी साडा एक सिस्टम भी है कई बार कॉमेडी फिल्म चल दिया ने और सब साडे जो अपने टॉप स्टार ने सारिया फिल्मों का हिस्सा ने बना रहे हैं फिर एक चलता है एक माहौल चलता एक टाइम चलता है कि उस तरह की सारिया फिल्म मार्केट आने लग पैदा ने लोग इनकरेज होंगे उस तरह का लिखते हैं हाँ भाई ये अच्छी गई सी एक होर कॉमेडी बना ये चलता है ये असूल है हर इंडस्ट्री का एक असूल है लेकिन उस फिर एक डिज़ाइन अलग भी आता है कोई कहीं किधरे बैठे द जिहड़ा कहिंदा मैं फिल्म तो बनानी है मैं कुछ प्रूव नहीं करना लेकिन मेरी कोशिश है कि इहदा डिज़ाइन अलग होए असी भी एक साइड ते कोने ते बैठे रहे किधरे होटल दे विच बह के असी सोच रहे हैं ये है हुआ असी किसी फिल्म नू नीचा नहीं सोचते कि ये फिल्म बनिया जा रही ये कोई फिल्म नहीं ऐसा कुछ नहीं है असी कुछ प्रूव नहीं करना असी एक चीज़ प्रूव करनी है कि असी जिस ईमानदारी दे नाल जिस सोच दे नाल इस फिल्म बनाना चाहते हैं जो रिश्तियां दी मजबूती मैं चाहना इस कहानी दे विच मैनू सिर्फ फिल्म नहीं बनानी सी मैनू फिल्म दे विच मैं की दे सकना सोसाइटी नू मेरा सब तो वड्डी लाइन ओह सी ओही फिर राइटर नाल जुड़ी ओही डायरेक्टर साहब नाल जुड़ी ओह असी जिस दे देंगे तो हो सकता जिहड़ी तुसी रोज़ फिल्मों के इंटरव्यू करते हो तुसी महसूस अगर कर रहे हो कि कोई ऐसी चेंज हो सकता चेंज अच्छी लगे तो हो सकता अगर ये फिल्म चेंज बनती है तो मैनू खुशी होगी इस गल्ल दी। रघुवीर जिदा फिल्म के ट्रेलर आप वेख्या ना कि एक बाप बेटे की बॉन्डिंग दिखाई गई है असल केहोजी बॉन्डिंग है ना फिल्म वर्गी बॉन्डिंग ही है साड़ी। अच्छा अच्छा मतलब कभी कभी एक निडर 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 विच एक पर्सनल टच भी है कि और ये कोशिश भी है कि आप ये जानते हैं कि एक बेटा और एक माँ की रिलेशन क्या है एक बाप और एक बेटी क्या है सब तो डिफिकल्ट रिलेशन मैं भी लगता है कि आप और बेटे का होंगे क्योंकि उन्होंने टाइमिंग मैच नहीं करती उन्होंने थॉट्स मैच नहीं करते उन्होंने थॉट प्रोसेस चेंज होती है बेटा कुछ और सोचता पिताजी कुछ और सोचते हैं क्योंकि उनका टाइम अलग सी साडा टाइम अलग है तो वो एक 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 जो कोशिश है एक एक रिलेशनशिप नू हाईलाइट करने की वो इंपॉर्टेंट है और वो मैं लगता है वो आज की पुकार है और आज की निडर सोच है। अच्छा कदी 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 तुसी स्कूल टाइम जा कदी कॉलेज टाइम कदी ऐदा एहसास की एहसास तुहानू है भी मैं पता कि इन्हां दा बेटा नहीं यार मैं हाँ। मैं सच दसां ते ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नु डराया हो मैं मुकेश जी दा बेटा बोला कभी क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही डैड और मॉम ने वैसी नहीं रखी है तो बहुत ही सिंपल रखी गई है डैड तो नीचे बस तक छोड़ने भी नहीं आते थे। अच्छा इस वजह से कि कहीं कोई भी उनकी वजह से ये
इस तरह से किसी का व्यवहार चेंज ना हो या कोई कुछ भी बच्चा कैसा फील करता नहीं पता, तो बहुत ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग है। एक स्कूल फंक्शन में डैड आए थे, अच्छा स्कूल, तब जाके सबको पता चला कि मेरे डैड एक्टर है। मैं कभी नहीं दसिया, मतलब जो ना अभी थोड़ा फिल्म च वेखते हो तो बड़ा डर लगता है। मैं स्कूल गया, मैं इसे करके नहीं जाते कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, बच्चे की अच्छा है, अच्छा है, बच्चे की गलतियां होनी तो अपने सिखा के टीचर। असं उ जो छोटा सी तो मेरे दिल की इच्छा से कि वाल होने चाहिए, मेरी दिल की इच्छा तो ये वाल रखे थे जो असं सिर पर बन्ने का सी। हूँ असं स्कूल पहुँच गए, उत्तर स्टेडियम के बच्चे खेड रहे हैं, सानू असं जिते डिस्टेंस जोड़ा होंगे उन्ना होंगे, असं बैठे थे मैं तो मेरी वाइफ, सानू सारे राघव लगन क्योंकि कई भी बाई बच्चे से जिन्होंने बन्ने हुए समझ नहीं आए कि जोड़ा चंगा कर रहा है, मैं लगता ये राघव होना। अच्छा जी, क्योंकि मैंने चाहते बच्चे का अनसैसरी प्रैशर पे जाते ही कई बार होंगे ना, बच्चा यार तू तो एक्टर का है, या मैं नहीं चाहता सी बच्चा आराम ना जाए उस बस जाए जिसे सारे बच्चे जाते हैं, उत्थे ही सोसाइटी खेले जिसे सारे के बच्चे खेलते हैं। 6 बजे इन मैं मेरे अज की भी नेचर है, अज भी एक घर बैठा हूँ मैं पूछना क्यों भाई, तो मैं 6 बजे लिफ्ट वाड़ के बटन दबा के जाओ खेलो जाओ, क्योंकि उदे बच्चा जिंदगी बचपन है कि यही है, सही है। उन्ना बिच रहोगे उतो सीखोगे उन्ना, जैसे कुछ कोई अच्छा है कोई झगड़ालू है, लेकिन उही तो याद रहने वाली चीज़ें तो नहीं। मैं बचपन का उदा सी। एक चीज़ मैं जरूर कहंगा बाउंड्री की जी गल की है, देखो कई बार तरीके होंगे ने उपर वाले भी वाहगुरु भी रस्ते दसदा, शायद साड़ी बॉन्डिंग या एक अंडरस्टैंडिंग इस करके होगी कि असी हालांकि उस तैयार नहीं सी एज एन एक्टर, लेकिन जब जो भी माहौल बनता पाया सी उहदे विच इहनूं मैं रिहर्सल कराना शुरू करता तो असी दोनों कभी दोस्त बन जाते, कभी मैं कमिश्नर और ये इंस्पैक्टर बन जाता सी, तो कभी कुछ बन जाते, तो वह प्रैक्टिस असी सीना की करते सी नाल जिहड़ी है ना, वो जिहड़ी बाप और बेटे वाली जिहड़ी हुंदा एक डिस्टेंस कई बार वध जांदा कि की कहां, वो सारी चीज़ें आटोमैटिकली खत्म हो गई, तो उस रिश्ते भी काम आ गई और जड़ा काम तुसी करन जा रहे हो उदे च भी काम आ गया। एज एन एक्टर तुसी देखोगे मेरे बड़ा तगड़े सीन ने इहदे नाल और बड़ी ही डिफरेंट सिचुएशन है उदे च, मैनूं पूरा यकीन है जिस तरह होया कि ना इहनूं उस ध्यान दिता कि सामने कौन बैठा है, ना मैं ध्यान दे रहा सामने कौन बैठा, मैं अपना काम कर रहा अपना कर, तो सारा उसका ही नतीजा है जिहड़ा मिल बैठ के असी करते रहे थे और फिर सामने आया सब। अच्छा भाई ना, जदों असं थोड़ी बहुत फिल्मों वेखते हैं सानू बड़ा डर लगता भी ये असल दे विच भी बड़े खतरनाक होणगे ना, तो मतलब कदे इदा होया भी घर गैसट आने हो पुछण भी अच्छ भाजी उन्होंने मूड कि आजिए? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं है मेरा नहीं ऐसा होंगे नहीं, तो कर ही नहीं सकते। देखो की होंगे जे मैं पार्क च भी जाना अपना वॉक करने वास्ते जाना, उत्ते हर किस्म मूड के लोग बैठे हुए ने, तुहानू देख के उन्होंने किस तरह रिएक्ट करना तुहानू ही नहीं पता, लेकिन रोज़ उन्होंने तुम सोच अगर मैच नहीं हुई तो रोज़ झगड़ा करते फिर आर्गूमेंट करोगे तो फिर तुहाडी गल बनदी नहीं है। तो असी अपना सिस्टम ही ऐसा बनाए दा कि मेरे नाल कई समझदार लोगों को बड़ा टाइम मिल जाता मेरे नाल, कई नहीं मिलता क्योंकि वो उस तरह करते हैं। मैनू कई बार वो बंदे चंगे लगते हैं जेडे मैं चल रहा तो मेरे नाल वॉक करते हैं, फिर कोई गल कर मैं ओके, कोई मैनू रोक के उस वक्त कहे कि मैनू ये फोटो और वो नहीं मिलती, फिर मैं उस वक्त मैं एक्सरसाइज कर रहा, मैं बड़ा ईमानदार हाँ अपनी एक्सरसाइज वास्ते, मैं वॉक कर रहा या तो मेरे नाल कर आके तो गल कर, जो नहीं करनी तो थैंक यू, ये टाइम नहीं है तेरा, तो उसके विच कोई कुछ कह जाता, जो तुम रिएक्ट करोगे तो थोड़ा अपना ही मूड खराब होना। बड़े सॉफ्ट कह सकते हैं कि बड़ा देखो जो तुम हो डॉक्टर हो तो किस तरह उम्मीद नहीं रखते कि इन पता डॉक्टर हो थोड़े बीमार हो तो तेरे गल ना करो, उन्हें करनी ही करनी है, सोसाइटी वाले पता है कि फलाने फ्लोर से डॉक्टर रहा है, उन्होंने थोड़ा फोन करना ही करना मेरे पिता जी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हों अवॉइड कर सकते तुम, तो बैटर है कि जे कोई सिचुएशन ऐसी है तो उन्होंने हैंडल कर लो, तुम आर्गूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले की सोच ऐसी, वो मैं एक्टर ही सोचते हैं, तो इस भाई वो जिते दिख गए तुम इमीजिएटली उदे हो जाते हो, वो कहता जी मैं थोड़े लिए आया पार्क में, तो ये उन्होंने इमीजिएट सोच हो जाती है, बैटर है कि तुम अपना भी काम कर लो नुकसान भी ना हो। रघुवीर कदे बचपन से इदा होया कि पापा का फाइट सीन देख के तुम रोन लग गए हो, जा कदे नाल शूट ते गए होमो, कोई इदा की मैमरी याद? नहीं यार ऑनेस्टली नहीं याद है, ऑनेस्टली मैं एक एक्साइटमेंट हमेशा रहती सी कि डैड एक्टर है, डैड की फिल्म आ रही है, वो उस तरीके से एक्साइटमेंट
सी बट हाँ एक 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 गल मैं दसना चाहना कि जद भी डैड की शूटिंग होंगी सी और वो लंबी होंगी सी तीन दो तीन महीना पहला तो शूटिंग ऐसी होती थी दो तीन महीना होती थी तो मैं बीमार पड़ जाता था। अच्छा हाँ क्योंकि डैड नहीं है और डैड मैं चाहिए सी कि मैं डैड नाल रहा तो फिर डैड जब आते थे तब रहते थे कुछ टाइम तब मेरी तबीयत ठीक होती थी। आई यूज्ड टू फॉल सिक तो ये होता था बट इस तरह से नहीं कदे लग गया कोई फिल्म देख के कि एक ही हो रहा है डैड क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता था सी कि डैड स्क्रीन पे है उसमें ही सब कुछ था। क्या बात है। सो वैसे भाजी जिदा जिक्र करते कि पंजाबी फिल्म इस तो मतलब पंजाबी फिल्म वेख दोगे थोड़ी बेस्ट पंजाबी फिल्म मैं पूछा था कि रही जट जेम्स बॉन्ड सी जट जेम्स कमाल की वार्निंग देखी सी वार्निंग बड़ी चंगी लगी मुझे हौसला रख भी किया है जट जेम्स बॉन्ड में असिस्टेंट सी जी एंड गिपी सर दी फिल्म सी काफी कुछ सीखा काफी कुछ देखा वो भी उदा ही नतीजा सी कि एक दिन अगर काम करना है तो अपनी चीजों नु समझो तुसी बिहाइंड द कैमरा जड़ा है असिस्टेंट और उस वक्त इन्हें यही कहा सी कि तू कोई एक्स्ट्रा चीज डिमांड नहीं करेगा उस तरह रहेगा जो एक असिस्टेंट नु मिलता है। क्या बात है। और उथे रहेगा जिस तरह तुहानू रहणगे तो मेरे ख्याल उदा सारा एक्सपीरियंस सामने जद एक दिन पंजाबी फिल्म ही तुसी कर रहे हो माहौल सारा थोड़े काम आ गया। सो भी जो पंजाब आने पिंडा चाहते हो तो किमें का फील करते हैं क्योंकि भाजी होनी अक्सर जो पंजाब नाल पिंडा नाल जुड़े हुए हैं तो तुम बहुत टाइम बॉम्बे रहे हो ना तो जो पिंड आने पिंडा चाहते हो तो की महसूस करते हो। पंजाब ही पंजाबी लगता है पंजाबी अद्दा ही एहसास होती है और एक एक अलग फील है पंजाब की बॉम्बे मुंबई शहर शहर है पंजाब तरफ एक पिंड थोड़ा ज़्यादा है शहर थोड़ा कम है तो वो फीलिंग जो मैनू मिलती है वो मैनू नहीं मिलती कहीं और एक एक पॉजिटिव फीलिंग आती है करे वापस आने की फीलिंग आती है वो बड़ा चंगा लगता है। क्या अच्छा तुसी चंडीगढ़ दे विच तुसी बहुत टाइम स्टडी की है तो गेड़ी रूट पर भी तुसी गेड़ी लाई होनी तो हुण जे तुसी वेखो तो की तुहानू फर्क लग्या गेड़ी रूट गेरी रूट का नाम इसे करके साडा एक छे सैक्टर तीन सैक्टर जाने का एक रस्ता सी माउंट व्यू तू जाओ ना तीन सैक्टर तो उत्थे इंज करके कट बनया होया टर्न यू टर्न लैन वास्ते तो उस तो उत्थे झाड़ियां उड़ियां होंदियां सी तो इंज कट हुंदा सी तो असीं उत्थे मिलदे सी शामी तो उहदा नाम ही गेड़ी रूट रखिया सी किथे भाई शामी उत्थे आ जाओ इन्ने बजे गेड़ी रूट मिलदे आ तो वो जगह इतने फिर जिस असी ना रखन की गल आई तो सारे दोस्तों मैं कह यार की करना ना दसना तो फटाफट एक जरा दोस्त बोलया गेड़ी रूट फिर असी अपलाई करना पैदा थानू असी अपलाई किया तो असी जब अपने देखा तो पता किया तो बहुत सारे गेड़ी रूट के नाँ से लेकिन गेड़ी रूट फिल्म नहीं सी कोई वो सानू मिल गया तो वह गेड़ी रूट फिल्म बन गया। सो भाई फैल ही जाते अगर भी की कहना चाहोगे ऑडियंस में बस यही कहना चाहूँगा कि 12 मई को साड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है उसका नाम है निडर मैं राघव ऋषि उस डेब्यू कर रहा कुलनूर ब्रार है बड़ा ज़बरदस्त कास्ट है अपने मुकेश ऋषि जी ने बिंदु दारा सिंह विक्रमजीत विर्क दीप मनदीप मैम रोज़ कौर महावीर बुल्लर सर मलकी तरौनी शविंदर महाल मैं नाम गिनते सरदार सोई जी इन्ने सारे एक्टर्स ने मैं उम्मीद करदा कि तुसा सारिया फिल्म थिएटर च जाके देखोगे क्योंकि साड़ी फिल्म दी पुकार नहीं है ये एक एक थिएटर्स ले भी पुकार है कि थिएटर्स नू मैं मेरे पर्सनल फीलिंग है कि थिएटर्स रहने चाहिए और वो आप लोग ही कर सकते हैं तो 12 महीनों निडर जाके देखिए। क्या बात। सो भाई मैं चाहूँगा ना कि तुसी एक बारी ओ बुल्ले दे अंदाज दे विच प्रमोट करो। मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं हमेशा खुला। क्या बात है। सो बिल्कुल जी कह सकते हैं कि 12 तरीक नू फिल्म ने रिलीज़ होना गया बहुत कमाल की कहानी है जो तुसी ट्रेलर आपां सारे ने वेख लिया जे तुसी नहीं वेखे तां यूट्यूब ते जाओ ट्रेलर वेखो ते थोनू ये आपां नू माण महसूस होगा इस ज़्यादा क्योंकि असी हुण तक पंजाबी सिनेमे नू वेखदे आ कि बहुत सारिया कॉमेडी फिल्मां बनदियां ने ठीक है बननियां चाहीदियां ने पर जदों इदां दी फिल्म आउंदी है तां अपने आप नू प्राउड फील हुंदा कि असी साडी पंजाबीयत साडा पंजाबी सिनेमा कित्थे स्टैंड करदा गा बहुत कमाल की कहानी हैगी जिस कहानी दे विच इक रिश्तियां दी गल कीती गई हैगी एक सोल्जर की गल कीती गई हैगी ते विखाया गया कि असल पंजाबी की ने जे असी हसाउणे आ असी हसदे आ तां साडा आ रंग भी हैगा वो सानू निडर वेख के 12 तरीक नू पता चलूगा ते हुण अपना फर्ज इह बनदा कि असी चंगी फिल्म नू असी सपोर्ट करिए असी अक्सर गिले सिकवे करते हैं
कि सिनेमे कुछ चंगा कॉन्टेंट क्यों नहीं बन रहा, जो बनता तो साडा दिलों फर्ज बनता कि असं इस फिल्म को सपोर्ट करिए। 12 तरीक न अपने सिनेमाघर च रौनक लाइनिया ने, मिलते हैं जी 12 तरीक नेटर से। सत श्री अकाल, थैंक यू।